हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम विंडोज़ के सभी प्रोग्राम का बेसिक अध्ययन करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने वर्ड पैड ओपन कर लिया है। केवल वर्ड पैड में ही नहीं, किसी प्रोग्राम में सबसे ऊपर एक पतली पट्टी होती है जिसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार के राइट साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन्स होते हैं, जिनमें मिनिमाइज का यूज करके हम अपने प्रोग्राम को टास्क बार पर मिनिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज का यूज करके हम प्रोग्राम को छोटा व बड़ा कर सकते हैं। क्लोज का यूज करके हम प्रोग्राम को बंद कर सकते हैं। मिनिमाइज करने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस एम, मैक्सिमाइज करने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस अप एरो, क्लोज करने की शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F4। अल्ट के साथ F4 प्रेस करने पर प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। टाइटल बार पर प्रोग्राम का नाम तथा आप उस डॉक्यूमेंट को जिस नाम से सेव किए हैं वह शो होता है। टाइटल बार पर लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार होता है, इसमें प्रोग्राम्स का शॉर्टकट होता है जैसे अंडू, रीडू, सेव, जिसके नीचे ऑफिस बटन होता है जिसमें प्रोग्राम का नाम दिया होता है। आपका जो प्रोग्राम ओपन होगा आपका यहाँ पे नाम दिया होगा, इस पर क्लिक करने पर हमें निम्न ऑप्शन प्राप्त होते हैं। फाइल बटन पर क्लिक करने पर आपको सभी प्रोग्राम में इसी प्रकार ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है न्यू का। न्यू की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एन, इसका यूज करके आप नया पेज ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ओपन का। ओपन का यूज करके आप पुरानी सेव की गई फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सेव का। बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप कंट्रोल के साथ एस प्रेस कर देंगे या तो इस पर क्लिक कर देंगे, जिसके नीचे सेव एज का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं, जिसमें आपको कई ऑप्शन मिलते हैं। आप यहां से पीडीएफ में भी इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट का। बनाए गए डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए आप यहां प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। उससे पहले आप प्रिंट की प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट निकलने के बाद कैसा दिखेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप का। आप यहाँ से A3 या A4 पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। सेंड ईमेल के द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट को आप मेल पर भेज सकते हो, जिसके लिए आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अबाउट वर्ड पैड पर क्लिक करके आप वर्ड पैड की या किसी भी प्रोग्राम की जो आप ओपन किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। किसी प्रोग्राम में एग्जिट का यूज करके आप प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। एग्जिट और क्लोज बटन एक समान होते हैं। टाइटल बार के ठीक नीचे मीनू बार होता है, जिसपे कई मीनू शो होते हैं। सभी प्रोग्राम में मीनूज की संख्या अलग अलग होती है। किसी प्रोग्राम के चारों तरफ के एरिया को बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ से आप प्रोग्राम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। विंडोज प्रोग्राम के सबसे नीचे वाली पट्टी को हम स्टेटस बार कहते हैं, जिस पर हमें जूम स्लाइडर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम पेज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं या जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जिसके जस्ट ऊपर हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार पाया जाता है। यहाँ से हम पेज को दाएं बाएं खिसकाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार राइट साइड में एक वर्टिकल स्क्रॉल बार पाया जाता है। यहाँ से हम पेज को ऊपर नीचे खिसकाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके।